देख रहे हैं फोर पिलर लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में तीनों कृषि बिल को वापस लेने की घोषणा कर दी है। देश भर में विपक्षी पार्टियों ने इसे किसानों की जीत बताया। कहीं ढोल नगाड़े बजे तो कहीं लोगों ने गुलाल लगाकर जश्न मनाया। जब इस बारे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा, सुनिए। केंद्र सरकार ने तीन कृषि कानून बनाया था और ये केंद्र सरकार का निर्णय था। अब इसके बाद अभी आज ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद इसको घोषित कर दिया कि हम इसको वापस ले लेंगे इसी अगले सत्र में ही। तो जो निर्णय उन्होंने लिया उसको वापस लेने का किया और बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने अपनी बातें रख दी कि हमने किसानों के हित में किया लेकिन सब लोगों को हम समझा नहीं पाए तो हम वापस ले रहे हैं। तो ये सारी बातें हो गई, इसलिए इसमें कोई खास बोलने का तो कोई औचित्य है ही नहीं। आगे पत्रकारों ने शराबबंदी से जुड़े मामलों के बारे में प्रश्न किया तो इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ न कुछ तबका तो ऐसा होता ही है जो विरोध करता है। हमारे आसपास सब तरह के लोग हैं और सबसे एक जैसा उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। ये सही बात है, हम तो प्रारंभ से ही कहते हैं कि देखिए कुछ न कुछ तबका तो ऐसा होता ही है। हर आदमी को आप उम्मीद करिएगा कि एक विचार का होगा, ये संभव नहीं। ये तो दुनिया भर की बात है। जो मनुष्य है, मनुष्य के बारे में ये जो स्वभाव होता है सबको मालूम है। तो हम लोग तो ये मान करके चलते हैं और शुरू से भी कहें कि कुछ लोग तो होंगे जो इसके खिलाफ रहेंगे, लेकिन इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए, गड़बड़ी करने वाले पर कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। ये सब बात तो हम लोग शुरू से बोलते रहते हैं, ये तो फैक्ट है। कुछ तो बाएं दाएं करता ही है और कितना गंदा काम करता है। आप देख रहे हैं किस तरह का शराब बनाना और लोगों को खाने की जो इच्छा होती है, देखिए उससे भी पता चलता है। तो आपने देखा कि जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा तो उन्होंने इस मामले को किस तरह से बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि हर तरह के लोगों को लेकर शर्मा पड़ता है क्योंकि यह समाज है और यहाँ पर हर तरह के लोग होते हैं। इस खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारा चैनल फोर पिलर लाइव।